अयोध्या को लेकर कांग्रेस पार्टी बातचीत करेगी मुख्यमंत्री जी से और उसके बाद हम लोग उस पर फैसला कोई करवाएंगे। मुख्यमंत्री जी तो गुस्सा हो जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए कभी गुस्सा नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील व्यक्ति हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का व्यवहार है उससे जरूर उनको गुस्सा हो सकता है, बाकी इन बातों के लिए मुख्यमंत्री कभी गुस्सा नहीं होते। बिहार में हुई जहरीली शराब के मौत के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार बिहार सरकार से मुआवजा देने की बात कर रही है। जो लोग जहरीली शराब पर पीकर मरे हैं और उनके जो परिजन हैं उनको मुआवजा देना चाहिए। कहा जाए कि 100 से ज़्यादा लोगों की मौत जो है वो छपरा में हो गई है जहरीली शराब पीने से। और सिवान की बात करें तो सिवान में भी जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हुई है। भारतीय जनता पार्टी सदन में इस बात को लेकर लगातार कह रही है कि मरने वाले जो जहरीली शराब पीकर मरे हैं उनके परिजनों को 4 लाख जो सरकार जो है मुआवजा दे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी के बावजूद जिन लोगों ने शराब पी है तो उसको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हम उसको बढ़ावा नहीं देंगे बल्कि हम और प्रचार प्रसार करेंगे कि देखो पिया तो मर गया। ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है। हालांकि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी टिप्पणी भी कही और यह कहा कि संवेदनहीन मुख्यमंत्री हैं, जो लोग जहरीली शराब पीकर मर गए कम से कम उनका जिक्र नहीं तो कम से कम जो उनके परिजन हैं उनके बारे में फिक्र करना चाहिए मुख्यमंत्री को। लेकिन अब देखिए कांग्रेस का भी जो साथ है वो भाजपा को मिल गया है। प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे और उनको जो है मुआवजा देने की बात करेंगे। यह कहा गया कि मुख्यमंत्री ये सवाल सुनते ही गर्म हो जाते हैं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री गुस्से में नहीं आएंगे। क्या कुछ कह रहे अखिलेश सिंह, सुनवाते हैं इस बयान को। तय किया था उसी को बिहार में कैसे गांव-गांव जो राहुल जी की सफल यात्रा हुई उस यात्रा के संदेश को हर गांव में हर बूथ तक पहुंचाने के लिए ये बैठक कब से शुरू होगी? ये तो लगातार आज से के बाद से शुरू है। आज 19 तारीख तक पहला चरण का हम लोगों को बैठक करना था, वो हम लोग कर रहे हैं। फिर जिले की बैठक है, फिर ब्लॉक का बैठक है, फिर उसको गांव तक पहुंचाने का शुरू करेंगे। छपरा में जहरीली शराब पीने से 17 से अधिक लोग अब शुरू हो गए। आप लोग अभी तो दे दिया सर, क्या मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं मिला? सर मुआवजा को लेकर बीजेपी लगातार बात कर रही है। मुआवजा को लेकर कांग्रेस पार्टी बातचीत करेगी मुख्यमंत्री जी से और उसके बाद हम लोग उस पर फैसला कोई करवाएंगे। मुख्यमंत्री जी तो गुस्सा हो जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए कभी गुस्सा नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील व्यक्ति हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का व्यवहार है उससे जरूर उनको गुस्सा हो सकता है, बाकी इन बातों के लिए मुख्यमंत्री कभी गुस्सा नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री जी कहीं पीजिएगा तो मरोगे।